हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पम्पकिन फ्रिटर्स की रेसिपी। ये रेसिपी काफ़ी सिंपल और इजी है और उसी के साथ स्वादिष्ट भी। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस होली के मौके पर इन्हें बनाकर अपने परिवार वालों को ज़रूर खिलाएँ। तो चलिए बनाते हैं कद्दू की पूरी यानी कि पम्पकिन फ्रिटर्स। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम कद्दू और इसका जो ऊपर का स्किन है इसे हमें निकाल लेना है और कद्दू को हमें ग्रेट कर लेना है। तो इसका ऊपर का स्किन मैंने हटा दिया है, अब इसे ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमें इसमें हल्का सा पानी डालना है स्टार्टिंग में, बाद में अगर लगेगा तो हम इसमें हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो अब गैस ऑन करते हैं और इसे पकने के लिए रख देंगे। जो गैस है हम एकदम धीमा रखेंगे और इसे स्लो गैस में पकाना है। इसे ढक लेंगे। अब बीच बीच में इसे ऐसे हिलाते रहें। ये देखिए कद्दू जो है अब हमारा पक गया है। इसमें हल्का सा मैंने पानी वापस डाल दिया था। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसे ढककर ठंडा होने रख दूंगी। अब एक कढ़ाई में हमें हल्का सा पानी लेना है और यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है जो आधा कप से भी कम है। गुड़ को हमें मेल्ट होने तक पकाना है। ये देखिए गुड़ जो है काफ़ी गल गया है। तो अब जो है गैस को हम स्लो कर देंगे और जो कद्दू हमने पका के रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब कद्दू और गुड़ को हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाना है। इसे मिला लेते हैं। ये देखिए 6 से 7 मिनट हो गए हैं तो कद्दू जो है वो अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और एक चम्मच हम डालेंगे पॉपी सीड्स यानी कि खसखस और आधा चम्मच हम डालेंगे इलायची पाउडर। इसे मिला लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से मिल जाए हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हमें हल्का सा ठंडा होने रख देना है। तो इसे ढक लेते हैं अभी। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसमें गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लोर इसमें डालूंगी। तो ये मैंने डाला है पहले 2 चम्मच और इसे मिला लेंगे। जब ये मिल जाए
हम वापस 2 चम्मच व्हीट फ्लर और डालेंगे। यहाँ पर मैंने टोटल 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लर का यूज़ किया है। आप इसे ज़्यादा यूज़ ना करें वरना आपकी पूरियाँ जो है वो तलने के बाद बहुत कड़क हो जाएंगी, इसलिए गेहूं का आटा आप संभाल कर डालें। ये देखिए ये मिक्सचर जो है अब रेडी है। तो मैंने यहाँ पर तेल लिया है और सबसे पहले हमें हथेलियों में हल्का सा तेल लगा लेना है और जो मिक्सचर है उसका छोटा सा हिस्सा लेकर इसे ऐसे उंगलियों की मदद से स्प्रेड कर लेना है। अगर ये चिपक रहा है तो हल्का सा हम उंगलियों में तेल लगा लेंगे। देखिए ऐसे और ऐसे स्प्रेड करना है और बीच में जो है हम छोटा सा होल कर देंगे इस तरह और अब इसे तेल में छोड़ देंगे। इसे स्लो गैस में हमें पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। इसे आप पलट लेते हैं। अब बाकी का भी मैं ऐसे ही पूरियां बनाकर डाल दूंगी। तो ये पूरी हमारी ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है और अब इसे मैं टिश्यू पेपर में निकालूंगी। मैं आपको दोबारा दिखा दूं। ये देखिए आपको ऐसे मिक्सचर लेना है और उंगलियों की मदद से इसे इसे स्प्रेड करना है और बीच में एक होल कर दें और इसे तेल में छोड़ दें। अगर आपको बड़ा बनाना है तो भी आप बना सकते हैं, अगर छोटा बनाना है तो ये वो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं बाकी की पूरियाँ भी ऐसे ही तल लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे फ्रिटर्स जो है मेरे रेडी हो गए हैं। तो इसे गर्मा गर्म आप सर्व करें, यकीन माने आपको बहुत टेस्टी लगेगी और इसे ज़रूर ट्राई भी करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।